हेलो बच्चा पार्टी, आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10। आज का टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स इसमें सबसे पहला है इथेनॉल के बारे में। इथेनॉल यानी इसको कहते हैं अल्कोहल, जो कि हम लोग कवर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में इसका वीडियो अपलोडेड है, तो आप लोग देख सकते हैं। सेकंड है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इथेनोइक एसिड के बारे में। तो इथेनोइक एसिड में क्या क्या पढ़ेंगे सो देखते हैं। इथेनोइक एसिड में क्या क्या चीज़ पता होना चाहिए। सबसे पहला इस्टरीफिकेशन रिएक्शन। इस्टरीफिकेशन रिएक्शन। सेकंड सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। थर्ड नंबर इथेनोइक एसिड का, इथेनोइक एसिड बेस के साथ रिएक्शन कैसे करेगा और क्या प्रोडक्ट बनाएगा। फिर देखना है इथेनोइक एसिड का, इथेनोइक एसिड कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। तो इतना सारा टॉपिक पढ़ना है इथेनोइक एसिड में। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इथेनोइक एसिड का कुछ बेसिक चीज़ से। इथेनोइक एसिड इसमें देखना एक तरह का क्या है, ओ आई सी यानी कौन सा ग्रुप से बिलोंग करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से बिलोंग करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो फंक्शनल ग्रुप है उससे बिलोंग करता है। इसको किस तरह दिखाते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच, ये है इसका स्ट्रक्चर दिखाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब हम लोग पढ़ेंगे इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला। तो उससे पहले देखते हैं इथेनोइक एसिड को एसेटिक एसिड भी कहते हैं, एसेटिक एसिड। और एसिड है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, CH3COOH होगा, ये इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे एक चीज़ है इम्पोर्टेंट, विनेगर क्या होता है। विनेगर तो विनेगर क्या होता है, अगर ये पानी है, ये क्या वाटर है, तो वाटर में क्या है, ये वाटर, वाटर में 5-8% अगर हम एसिटिक एसिड मिला दें तो वो विनेगर बन जाएगा। विनेगर का अब यूज देखते हैं, यूजेज ऑफ विनेगर, यूजेज ऑफ विनेगर। यूज्ड इन द, यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स, पिकल्स, पिकल्स मतलब अचार, अचार को प्रिजर्व करने के लिए
विनेगर का यूज किया जाता है, तो इसको प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज किया जाता है। अब हम लोग इथनोइक एसिड का कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। इथनोइक एसिड का प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज में है, प्रॉपर्टीज है कि ये एक वीक एसिड है। कैसा एसिड है? वीक एसिड है। और सेकेंड देखते हैं, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन होता है, 290 केल्विन। अब हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, इस्टरीफिकेशन रिएक्शन। इस्टरीफिकेशन रिएक्शन, इस्टरीफिकेशन रिएक्शन से क्या बनता है? ईस्टर बनता है। ईस्टर कैसे बनता है? एल्कोहल, एल्कोहल प्लस एसिड जब मिलता है, एल्कोहल यानी इथेनॉल, इथेनॉल और एसिड में ले ले इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, तब जाके क्या बनेगा? ईस्टर बनेगा, ईस्टर। अब हम लोग इसका रिएक्शन देखते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले इथेनॉल का स्ट्रक्चर कैसे होगा? CH3 CH2 OH, और स्ट्रक्चर इस तरह लिख सकते हैं, 2C यहाँ OH बैलेंस हो गया, C 4 बैलेंस, ये H H H। तो ये क्या है? इथेनॉल है। अब इसको ये फॉर्मूला है, ये स्ट्रक्चर है, इसका रिएक्शन करेंगे इथेनोइक एसिड के साथ। इथेनोइक एसिड यानी एसिटिक एसिड, CH3 COOH, तो क्या बनेगा? ईस्टर बनेगा। और ईस्टर का फॉर्मूला होता है, ये याद रखना है, CH3 COOC2H5, CH3 COOC2H5। और इसका स्ट्रक्चर ध्यान से रखना है यार, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 और इसको बैलेंस कर देंगे H H H, 2 और 2 4 CH2 CH3। तो ये इसका क्या है? स्ट्रक्चर है ईस्टर का। तो हम लोग ये याद रखेंगे CH3 COO C2H5 CH3 COO C2H5। तो ये जो रिएक्शन है, ये है इस्टरीफिकेशन रिएक्शन। तो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड जब मिलता है तो ईस्टर बनाता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ईस्टर का प्रॉपर्टीज देखते हैं, ईस्टर के बारे में अब देखते हैं ईस्टर कैसा होता है। ईस्टर का जो प्रॉपर्टीज है, ईस्टर का प्रॉपर्टीज, तो क्वेश्चन में घुमा के पूछ देता है कि स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस क्या है। तो ईस्टर एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। और इससे क्या बनता है? परफ्यूम्स बनता है।
ईस्टर का यूज होता है परफ्यूम्स बनाने में, फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवर देने के लिए ईस्टर का यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग ईस्टरीफिकेशन देख लिए, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, अब देखते हैं सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन से क्या बनता है, सोप बनता है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो ईस्टर बना था, ईस्टर, उसको बेस के साथ NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है एल्कोहल। क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। तो ये जो रिएक्शन है ये सेपोनिफिकेशन रिएक्शन है। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, ईस्टर का क्या लिखेंगे, CH3 COO C2H5 NaOH के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा, CH3 CH2OH, और क्या बनेगा, और बनेगा सोडियम एसीटेट। ये जो सोडियम है इससे बन जाएगा सोडियम एसीटेट, CH3 COONA। ये क्या है, सोडियम एसीटेट, एसीटेट, या इसको और कहते हैं सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट। अब हम लोग देख चुके हैं सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, अब हम लोग देखें इथेनोइक एसिड का, इथेनोइक एसिड का रिएक्शन किसके साथ, कार्बोनेट्स के साथ, और इथेनोइक एसिड का रिएक्शन इथेनोइक एसिड का रिएक्शन हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स के साथ। तो जब कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, CO2 और H2O बनेगा। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन होगा, साल्ट बनेगा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा। तो दोनों के साथ जो प्रोडक्ट है वो सेम है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं, तो हम लोग कार्बोनेट्स में क्या ले सकते हैं, Na2CO3। इथेनोइक एसिड का हम लोग जानते हैं CH3COOH। तो ये प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, CH3COONA, CO2 और H2O। इथेनोइक एसिड लेंगे CH3COOH, हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये ले लिए। साल्ट क्या बनेगा, CH3COONaCO2+H2O, तो ये साल्ट बनेगा। तो हम लोग आज देख चुके हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, इथेनोइक एसिड के बारे में हम लोग देख चुके हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
इसके आगे का लेक्चर देखेंगे। और हम लोग सिर्फ चैप्टर कंप्लीट नहीं करेंगे, हम लोग प्रीवियस ईयर को भी सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन आया है, प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन आया है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तब क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट होगा। ठीक है, तो इसके लिए आज के लिए एक क्वेश्चन है, इसे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, कमेंट करना है। क्वेश्चन है HCl3 ये क्या है, ऑप्शन देते हैं, इथेनॉल, सेकेंड ऑप्शन मीथेन, थर्ड ऑप्शन क्लोरोफॉर्म, फोर्थ ऑप्शन मिथेनॉल। तो कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि ये किस चीज़ का फॉर्मूला है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे का लेक्चर। थैंक यू।